बच्चों, मैं सांग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सांग स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं आपके लिए एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 1.3 का फुल चैप्टर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में हम करेंगे। सो ये वीडियो जो आधारित है वो जो है रेशनल और इरेशनल नंबर्स के प्रूविंग के आधार पर है। ओके, तो आप ऐसा क्लास 9 में आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ आपको इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इसके पिछले की वीडियो देखते हैं 1.1 एंड 1.2 की, तो ऊपर आई बटन पे आप जाकर वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नीचे बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है कि प्रूफ डैट √5, ठीक है, √5 इज इरेशनल। ये आपको प्रूव करना है क्या कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, आप अगर चाहें तो खुद से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें लिखना होता है कि लेट √5 इज रेशनल, क्योंकि हमें प्रूव करना है क्या कि वो इरेशनल है, इसीलिए हमको उसके विपरीत मानना पड़ेगा, यानी उसका अपोजिट लेना पड़ता है कि वो क्या है, रेशनल है। यदि वो रेशनल नहीं हुआ तो कंफर्म हो जाएगा कि क्या है, वो इरेशनल है। ओके, तो रेशनल होने का शर्त तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर तब रेशनल होता है जब वो पी बाई क्यू के रूप में हो। ओके, और वहाँ भी पी एंड क्यू जो हो वो इंटीजर हो, क्या हो, वो इंटीजर्स होने चाहिए, एंड जो क्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 के इक्वल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके बाद इसके बाद अब देखिए क्या होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पी को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, और क्यू इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना, √5 क्यू। ओके, अब इधर लिखेंगे स्क्वायर ऑन टू बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर ऑन टू बोथ साइड। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो पी का स्क्वायर जानते हैं स्क्वायर से रूट खत्म, तो हो जाएगा कितना, 5 क्यू का स्क्वायर, ठीक है, 5 क्यू का स्क्वायर। अब आप एक चीज ध्यान दें, तो यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हैं, देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्या होगा, पी स्क्वायर जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। जब पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो पी भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 5 से। देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है, तो जो पी भी होगा वो क्या होगा, 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, होगा ना। अब हम क्या करते हैं, लेट, ठीक है, लेट करते हैं पी इक्वल टू 5 के मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, पी के जगह पर हम क्या है, 5 के रख लेते हैं। अब क्यों रख रहे हैं ये आपको आगे जैसे वीडियो में आप बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट वेयर के जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, के इज एन इंटीजर। ओके, तो के जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, चलिए के इंटीजर हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसमें भी हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, ठीक है, यानी आप लिखेंगे स्क्वायर ऑन टू बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर ऑन टू बोथ साइड, दो तरफ क्या हम स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर इक्वल टू 25 के का स्क्वायर, हो जाएगा ना। बट आप एक चीज ध्यान दीजिए, सॉरी, पी का स्क्वायर इक्वल टू ये है ना √5 के का स्क्वायर, यानी 5 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए, तो इधर साइड हमने स्क्वायर किया तो इसका वैल्यू कितना है, 5 के, तो 5 के का स्क्वायर कितना, 25 के का स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू का स्क्वायर, तो 5 से 5
डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5k² इक्वल टू क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ना, कि 5k² इक्वल टू क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। दिस मीन, ये भी हमें क्या बता रहा है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हो गया ना, डिविजिबल बाई 5 यानी जस्ट ऊपर के साइड में। उस प्रकार यहाँ क्या हुआ था कि पी स्क्वायर डिविजिबल था 5 से, एंड क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। जब क्या है कि पी एस क्वी क्यू स्क्वायर का जब 5 से डिविजिबल है, क्योंकि ये तो कोई नंबर ही हो सकता है, तो ये कोई नंबर्स होगा तो नंबर से डिविजिबल होगा नहीं, इसलिए क्यू स्क्वायर क्या है 5 से डिविजिबल होगा, तो क्यू भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। और हम रेशनल नंबर में एक चीज़ जानते हैं कि जब कोई नंबर्स क्या है इंटीजर्स किसी के होते हैं, यानी जब क्यू पी वाई क्यू के रूप में होता है, तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर होने के लिए उनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड कॉमन फैक्टर यानी सी एफ इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी आप साथ में चाहे तो लिख सकते हैं, एंड कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्या है इसके लिए। चलिए, तो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 5 हो रहा है, क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर दिस इंप्लाइज डैट P एंड Q हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर यहाँ फैक्ट हो रही है, ठीक है। एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि किसी भी रेशनल नंबर होने के लिए क्या है कि जब वो इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं तो उनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर तो वो नहीं रहा। शन टू द फैक्ट डैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे, ओके, क्योंकि दोनों का क्या है कॉमन फैक्टर सेम हो रहा है। हैंस ये चाहे तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हैं, ये स्किपेबल है, आप इसको लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ओके। तो हैंस रूट 5 कैन नॉट बी expressed as p by q, or it can be say that root 5 is irrational, okay। क्योंकि देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से हम चलें तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको माना कि रेशनल, तो रेशनल होने के लिए जानते हैं कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और जो क्यू होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। हमने क्या है, क्यू को इधर ले गए बट स्क्वायर किया बहुत सारे, तो हमने देखा कि डिविजिबल जो हो रहा है वो 5 हो रहा है, कॉमन फैक्टर तो 1 आ नहीं रहा था, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में भी हमने जब उसको के मान लिया तो वहाँ भी हमने देखा कि वहाँ भी क्या है कि क्या है कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। जब कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ रहा है, मतलब जो हमारा जो हमने माना था कि रेशनल है वो उस शर्त को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। जब वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये कन्फर्म है वो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि प्रूफ डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, ओके। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका अपोजिट मानेंगे तभी तो हम निकलेगा।
ठीक है, इज रेशनल, ठीक है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब जब ये रेशनल नंबर है तो आप कह सकते हैं कि 3 + 2√5 जो होगा वो इक्वल होगा पी बाई क्यू के, वेयर पी एंड क्यू आर जो होगा वो इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, एंड हम जानते हैं कि क्यू जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड इसका कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ कॉमन फैक्टर का मेन काम नहीं है, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि इधर 2√5 को हम इधर ही रहने देंगे, ठीक है। अब पी बाई क्यू, अब 3 को जब इधर हम भेजेंगे तो ये -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। और हम देखिए क्या करते हैं, √5 को इधर छोड़ देते हैं, ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में यानी पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। तो पी बाई क्यू -3, ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा। अब देखिए एक साइड आप देखें कि अभी जस्ट हमने प्रूव किया क्या कि √5 जो क्या है वो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम आपको 2 नियम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से ये फर्स्ट हो जाएगा, इधर वाला सेकंड, ठीक है। तो 2 तरीका आप सीख लेंगे तो आपको क्या है कि जैसा आपको बनाने की मर्जी है वैसा बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या कि सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीजर्स हैं, ठीक है, 1/2 इंटू पी बाई क्यू -3 विल आल्सो बी रेशनल एंड देयर फोर √5 इज रेशनल, ठीक है। जब क्या है कि हम ये मानते हैं कि क्या है कि ये एक रेशनल नंबर के फॉर्म में है, ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो ये एक रेशनल नंबर के फॉर्म में इंटी, सबसे पहले पी क्यू इंटीजर है। जब पी क्यू इंटीजर्स है तो जब क्या है कि पी क्यू इंटीजर्स है और ये रेशनल नंबर के फॉर्म में होता है ऐसा, तो रेशनल नंबर है तो √5 को भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। बट ऊपर क्या है, जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है क्या कि √5 जो क्या है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, ओके, √5 इज इरेशनल, हैंस आवर अजम्पशन, ठीक है, आवर अजम्पशन, क्योंकि हमने माना था ना कि ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर, ये है हमारा अजम्पशन है, ठीक है, आवर अजम्पशन इज फॉल्स, ठीक है। क्यों, क्या है, हमने क्या है कि यहाँ पर लिखा क्या कि हमने तो अभी क्या है कि जब ये क्या है कोई भी नंबर्स क्या हो के रेशनल नंबर के बराबर है तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होना चाहिए, बट ये इस फैक्ट से हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, हेंस आवर अजम्पशन देयर फोर, तो इसी अतः यानी कह सकते हैं देयर फोर 3 + 2√5 इज क्या है, इरेशनल, ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया हमारा प्रूफ्ड। तो लास्ट में आपको प्रूफ्ड लिखना है, ठीक है। सेकेंड देखिए हमारा बहुत ही ईजी है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है, आई मीन √5 जो होगा डज नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू पी बाई क्यू -3, हैंस √5 इज इरेशनल। देन
ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके, तो ये आपके बनाने का 2 मेथड था जो मैंने आपको बता दिया। आपको जो मेथड आपको सही लगे आप बनाइए, एग्जाम्स में आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुल 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके कुल 3 क्वेश्चन हैं जहां भी आपको प्रूव करना है कि बे इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन है 1/2√2, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सबसे पहले मानना पड़ेगा कि लेट 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, रेशनल। ओके, तो रेशनल होने के लिए हम जानते हैं कि 1/√2 को बराबर होना पड़ेगा p/q के। फिर हम जानते हैं कि p एंड q आर जो हैं वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, एंड q की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 के इक्वल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो हो गया हमारा। अब क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसा जब फॉर्म आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा q इक्वल टू √2p। ठीक है, 2p हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, q को इधर ले आते हैं, p को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा √2 = q/p। ठीक है, आप यहाँ इसके जस्ट पहले आपने सिद्ध किया है क्या कि प्रूव कर चुके हैं कि जो नंबर्स क्या है रूट में होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं इरेशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए √2 क्या है हमारा, ये इरेशनल नंबर है, बट q/p जो है वो हमारा रेशनल है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे q/p इज रेशनल। ठीक है, q/p क्या है, रेशनल है, बट p एंड q आर जो है वो इंटीजर्स है। ठीक है, ये रेशनल है लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है, एक इंटीजर भी है। देयरफॉर फॉर √2 इज रेशनल, तो इसके कारण क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर के बराबर में कोई नंबर्स है तो वो रेशनल होगा। विच कॉन्ट्राडिक्स, ठीक है, विच कॉन्ट्रा दिख, यानी यहाँ पे क्या है, कुछ मुसीबत खड़ी हो जाती है, टू द फैक्ट √2 इज इरेशनल। बट क्या है, कुछ अवधारणाएं जो हैं वो कहती है कि √2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। हैंस आवर अजम्पसन, ओके, आवर अजम्पसन इज फॉल्स, जो हमारी जो मानना है, जो हम जो मान रहे थे कि जो होना चाहिए वो क्या है, रेशनल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, फॉल्स एंड 1/√2 इज इरेशनल, क्योंकि रेशनल के साथ जो भी नंबर्स होंगे तो रेशनल होंगे, बट यहाँ पर जब एक नंबर क्या है रेशनल है, इरेशनल है, तो वो नंबर कभी भी क्या है, रेशनल नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 में। तो यहाँ पर हमारा 3 का 2nd नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो वहाँ भी हम वही चीज़ लगाएंगे, सेम काम, लेट 7/√5 इज रेशनल। यहाँ पर सबसे जस्ट यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो 7/√5 का जो फॉर्म होना चाहिए वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर p एंड q r जो होने चाहिए वो इंटीजर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना हमको पता है। तो चलिए, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, √5 को इधर ही छोड़ देते हैं, अब p/7q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 7/p/7q इज रेशनल। ठीक है, बट हम पहले सॉल्व कर चुके हैं एंड √5 इज इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है
तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल कभी भी इक्वल नहीं होता है किसके, इरेशनल के, ठीक है, ये हम जानते हैं, एक फैक्ट है कि रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर क्या होता है, नहीं होता है। तो जब बराबर होगा नहीं, मतलब जो है वो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं आवर अजम्पशन इज फॉल्स, क्या हो जाएगा, हमारा जो मानना हुआ अजम्पशन, आवर अजम्पशन इज फॉल्स, जो हमारा मानना है वो गलत हो गया। एंड 7√5 इज क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 2 का सोल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का 3 जो क्वेश्चन है हमारा काफी इजी है। ठीक है, यहाँ भी जस्ट वही फॉर्म, लेट 6√2 इस क्या है, रेशनल है, क्या है, रेशनल है। तो रेशनल होने के लिए हम जानते हैं कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर जो होना चाहिए कि p एंड q r जो होना चाहिए वो इंटीजर्स हों, कि क्या इंटीजर्स हों, एंड q जो होना चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, p बाई सॉरी रूट टू को इधर छोड़ देते हैं, और ठीक है p बाई क्यू, 6 इधर जाएगा तो q हो जाएगा किसमें, माइनस में, हेयर, ठीक है, हेयर देख सकते हैं यहाँ पे कि p बाई क्यू माइनस 6 आर रेशनल, ठीक है, आर रेशनल है, ठीक है, बट √2 इज इरेशनल। ओके, ये रेशनल कैसे है, क्योंकि पिछले पहले आप भी क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो हेयर भी कह सकते हैं कि रेशनल जो होता है वो कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होता है। जब बराबर होगा नहीं, मतलब कंफर्म है कि जो नंबर होगा वो क्या इरेशनल होगा। ठीक है, हेंस आवर Assumption is false, क्या हो जाएगा, हमारे जो मानना हुआ वो क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, our assumption is false, then 6√2 is क्या हो गई, irrational होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 3 का सोल्यूशन। इसके साथ आपको जो चैप्टर 1.3 है वो क्या होगा, खत्म हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज आपका यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9798363946 पे। ठीक है, तो और साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना बोला। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।